अस्सलाम वालेकुम यू गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी ज़ाया रानी और आज आप लेके आई हूँ तजमीली बाय हानिया के टेंट्स का कंप्लीट रिव्यू, प्राइसेस, डिटेल्स, अनबॉक्सिंग, कंप्लीट डिटेल्स और इसके अलावा एसएल बेसिक्स के टेंट के साथ तजमीली बाय हानिया के टेंट का कंपैरिजन मैं करूँगी इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में, यानी कि एसएल बेसिक्स का टेंट रेड रश और तजमीली बाय हानिया का टेंट वेलवेटीन रेड, यानी कि दोनों रेड कलर्स में मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगी कौन सा रेड कलर जो है वो आपको लेना चाहिए और कौन सा जो है वो बेहतर है। तो वीडियो को जो है वो आपने कम्प्लीट देखना है। इसके अलावा गाइस, वीडियो थोड़ी आजकल लेट हो जाती है क्योंकि मैं पहली चीज़ें ऑर्डर करती हूँ, 2-3 दिन उसमें लग जाते हैं, फिर मैं कुछ दिन उसको टेस्ट करती हूँ खुद अपने आप पर और उसके बाद मैं आपको जो है इसका रिजल्ट जो है वो शेयर करती हूँ। तो अगर आपको पसंद है इसी तरह की जो है अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले पैकेजिंग की बात कर लें तो पैकेजिंग इसकी तजमीली बहानियाँ की आपको कुछ इस तरीके से मिल जाती है बॉक्स में, ठीक है, जिसको हम खोलते हैं तो अंदर कुछ इस तरह की बॉटल आपको मिल जाती है और इसमें आपको मिल जाता है 10 ml, ठीक है, जबकि दूसरी अगर हम देखें तो दूसरी एसएल बेसिक्स है हमारे पास और वो आपको मिल जाता है इस तरह के बॉक्स में बहुत क्यूट पैकेजिंग के साथ और इसमें आपको मिल जाता है 15 ml। लास्ट टाइम जब मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर की थी तो उसमें ये नीचे लिखा हुआ था तो मुझे मिला नहीं था कि इसमें कितने ml है, तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें 15 ml आपको मिल जाता है और इस प्रोडक्ट में आपको मिल जाता है 10 ml, ठीक है। अब अगर बात कर लें इसकी दोनों की अनबॉक्सिंग की, तो अनबॉक्सिंग आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। दोनों प्रोडक्ट्स मुझे इस तरीके से मिले थे और मैंने इनको जब ओपन किया था अपनी अनबॉक्सिंग वीडियोस में तो मैं आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। अब जो है मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैंने यूज़ कर लिया है। पहले बात कर लेते हैं इसको इसकी प्राइसेस की, तो ये जो है मुझे मिला था 750 rupees में विदाउट DC, यानी कि DC फ्री थी, 750 में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर हम तजमीली बाय हानिया की बात करें तो इनकी ये डील थी 1500 में दो टेंट प्लस आपको मिल जाते हैं मिनी फ्री मिनी टेंट्स इसके इस डील के साथ, ठीक है। तो ये 1500 की थी और प्लस DC 250 rupees की थी, यानी कि आपको 1750 में ये चीज़ें मिल जाती हैं पांच और यहाँ पर आपको 750 में ये एक मिलता है, ठीक है। इसकी अगर अलग अलग टेंट की प्राइस देखी जाए तो इसके अलग अलग टेंट की प्राइस ज़्यादा है, महंगा है, जबकि अगर आप इसको देखो डील में तो आपको ये अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। जिस तरीके से आपको 750 में ये मिलता है उसी तरीके से आपको ये भी मिल जाता है, बट आपको DC देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी प्राइसिंग और पैकेजिंग वगैरह। अब हम अगर इसके कलर्स की बात कर लें तो मैं आपको सबसे पहले तजमीली बाय हानिया के सारे कलर्स जो हैं वो दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो चूज़ करने में कि आप लोगों ने कौन से कलर के साथ जाना है। तो सबसे पहले आपको इसमें जो है इस तरह का जैसे नेल पॉलिश ब्रश होता है वो मिल जाता है, मैं आपको साइड पर यहाँ पर लगा के दिखा देती हूँ। आपने इसकी जस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फील होने वाला है, बहुत आपको अच्छे तरीके से अपने चीक्स पर नज़र आता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ली है, वैसे एज़ कम्पेयर टू फेस यहाँ पर जो है वो इसको थोड़ा कम नज़र आ रहा है, फेस पे अगर आप इतनी सी ही क्वांटिटी लो तो अच्छा खासा प्रोडक्ट जो है वो आपको शो होने लग जाता है अपने चीक्स पर, अपने लिप्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा और ले लेती हूँ आपको इसका कलर दिखाने के लिए। तो ये जो है इसका कलर है, ये सुपर सॉफ्ट है, यानी कि आप आराम से इसको ब्लेंड कर लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब स्टिक नहीं होता आपके फेस पर, एक जगह पर जम नहीं जाता, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है ये वेलवेटीन रेड, ठीक है, इसका भी शेड मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसका शेड कुछ इस तरीके का है, पिंक वाला आप देख सकते हो थोड़ा सा लाइट है, रेड वाला जो है वो थोड़ा सा डार्क है। इसका आपने बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट लेनी है, मुझे अंदाज़ा नहीं है, मुझे लगा शायद ये यहाँ पर लाइट है तो ये भी यहाँ पर लाइट होगा, बट नहीं, ये वाला काफ़ी डार्क है तो इसकी बहुत थोड़ी क्वांटिटी आपको यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके बाद हम अगर इन थीम की तरफ चले जाएँ तो ये है शेड पर्पल, ठीक है, और ये आपको मिल जाता है 3 ml। इसको भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लगा के दिखा देती हूँ, इसका शेड कुछ इस तरह का है, पर्पल सा, ठीक है, ओके, ये पर्पल सा शेड है इसका, इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं, ठीक है।
इसके अलावा आपको मिल जाता है शेड ऑरेंज, ये भी 3 ml आपको मिल जाता है। ये आपको इनकी बाकी डील्स में भी फ्री मिल जाते हैं, टेंट्स, मिनी टेंट्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से है ऑरेंज, और इसके अलावा आपको मिल जाता है मैजेंटा, ठीक है, मैजेंटा आपको मिल जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से है। तो इस तरीके से है, अगर हम इसको मिक्सअप करें तो ये ऐसे। तो ये थे सारे शेड्स 5 जो आपको तजमीली बाय हानिया ऑफ़र करता है 1500 रुपीज़ में, और ये जो दो हैं ये उनके सही मतलब आपको डील में मिलते हैं, जबकि ये आपको फ्री मिलते हैं, ठीक है। सबका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे सारे शेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं इसका और इसका, क्योंकि ये दोनों रेड कलर्स हैं। बाकियों का मैंने आपको दिखा दिया कलर्स किस तरीके के हैं, आप चाहें तो इनमें से कोई भी कलर ले सकते हैं, लाइक आप इन दोनों में से कोई भी कलर ले सकते हैं, ये चीज़ें तो आपको साथ फ्री में मिलती हैं, ठीक है। तो अब कंपैरिजन की तरफ अगर आ जाएं तो कंपैरिजन हमने करना है इन दो प्रोडक्ट्स के बीच में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस प्रोडक्ट को लगा के दिखाती हूँ, एंड देन मैं इसको लगा के दिखाती हूँ आपको इस हैंड में। तो दोनों मैंने लगा लिए हैं, अब ब्लेंड करते हैं इन दोनों को। इसको अगर आप ब्लेंड करो तो देखो कैसे इजीली ये ब्लेंड हो चुका है। इसका कलर भी आपको अभी मैं कंपैरिजन में दिखा देती हूँ, इसका कलर और इसका कलर, ठीक है। अब इसको अगर मैं ब्लेंड करूँ तो ये एक ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत बहुत ज़्यादा लिक्विड उसमें है। ये जो है इजीली ब्लेंडेबल है, अब मैंने आपके सामने इसको ब्लेंड किया, ये बहुत आराम से ब्लेंड हो गया, जबकि इसको ब्लेंड कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर वाटर टाइप गैप्स बन रहे हैं। तो ये मुझे पहले भी मैंने आपको जो है SL Basics का जब मैंने BB ब्लॉग का रिव्यू किया था तो मैंने आप साथ शेयर किया था कि मुझे ब्लेंडेबल नहीं लगा बिल्कुल भी, थोड़ा सा मुश्किल से ब्लेंड होता है ये प्रोडक्ट। अगर मैं ज़्यादा हिस्से में इसको ले जाऊँ ब्लेंड करने के लिए तब जाकर ये ब्लेंड होगा। तो अब ये ब्लेंड हो चुका है, काफ़ी प्रोडक्ट मेरे हाथ के साथ लगा तब जाकर ये ब्लेंड हुआ है, ठीक है। दोनों के शेड्स आप देख सकते हो, इसका शेड किस तरह का है और इसका शेड किस तरह का है, ठीक है। और ये जो साइड पे मैंने डॉट्स डाले हैं ये मैंने इसलिए डाले हैं कि अगर आप इसको थोड़ी देर छोड़ के फिर ब्लेंड करो तो दोनों में क्या फ़र्क है, किस तरीके से दोनों ब्लेंड होते हैं, तो मैंने इसलिए इन दोनों को छोड़ा हुआ है। अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको ये आपके साथ ये शेयर करना चाह रही हूँ कि ये जो है ये इसका थोड़ा सा फील हो रहा है, थोड़ा मतलब स्टिकी तो नहीं लेकिन थोड़ा सा फील हो रहा है इस जगह पर अगर आप मैं हाथ फेरूं, लेकिन इसका जो है मेरी स्किन ही फील हो रही है, बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैं किसी चीज़ पर हाथ फेर रही हूँ, इसका जो है वो फील हो रहा है। यहाँ से मेरी स्किन चेंज है और यहाँ से मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई टाइप है, थोड़ी सी खुदरी सी है, खुदरी तो नहीं बट थोड़ी सी ड्राई है, ठीक है। तो अब इन दोनों कलर्स को आप देख सकते हो, ये है वेलवेटीन रेड, ये है रेड रश। अब इन दोनों को मैं मिक्स करके देखती हूँ, थोड़ा सा टाइम हो जाए फिर। तो अब तकरीबन एक आध मिनट हो चुका है इसको, अब मैं इसको ब्लेंड करके देखती हूँ। पहले मैं इसको ब्लेंड करती हूँ, तो ये इजीली ब्लेंड हो गया है, जबकि लिप्स पर जो है ये अगर आप एक सेकंड के एक मिनट के लिए अगर इसको छोड़ दोगे तो आपके लिप्स पे चिपक जाएगा, ये ब्लेंड नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको अगर मैं ब्लेंड करूँ तो ये भी ब्लेंड हो रहा है, बट यहाँ पर देखिए आपको एक डार्क स्पॉट नज़र आ रही होगी जहाँ पर ये मैंने लगाया था उसका मार्क आपको नज़र आ रहा होगा, बट ये इतना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं इसको मेरे फेस पर भी अगर कभी ज़्यादा हो जाए तो मैं इसको जब ब्लेंड करती रहूँ थोड़ी देर इस तरीके से तो ये इजीली वापस जो है वो नॉर्मल हो जाता है और
कलर में जो है चेंज आ जाता है। जब अगर थोड़ा सा डार्क लग जाए तो इसको मैं फिंगर से ही ब्लेंड करती हूँ तो वो लाइट हो जाता है, ठीक है, तो आपके फिर फेस पर एडजस्ट हो जाता है और अब आपको वो डार्क स्पॉट जो पहले नज़र आ रहा था वो नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये था कि ये जो है बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाता है, आप इसको कितनी भी देर छोड़ो और वैसे भी आप इसको लगाओ तो ये ईजीली ब्लेंड हो जाता है, जबकि ये जो है वो थोड़ा सा रफ लगता है स्किन पर। और अगर आप इसको, मैंने इसको जो है लिप्स पर और फेस पर यूज़ किया हुआ है, अगर इसको थोड़ी देर भी आप लिप्स पर छोड़ते हो तो ये ब्लेंड नहीं होता सही से, आपके लिप्स पर जो है वो मार्क छोड़ जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको शो कर रही हूँ कि इस फिंगर से जो है मैंने वेलवेटीन रेड मिक्स किया था यहाँ पर इस हाथ पर, जबकि दूसरी फिंगर जो है मेरी जिस पे ज़्यादा डार्क कलर है इस पर मैंने मिक्स किया था रेड रश को यहाँ पर इस हैंड पर। तो इस तरह का मैं आपको शो करना चाह रही थी कि इसका जो कलर है रेड रश का ये स्टिक हो जाता है थोड़ा सा, मुश्किल से फिर मूव करता है। तो आप इसको जैसे ही लगाओ जल्दी जल्दी से इसको ब्लेंड कर देना, वरना ये इस तरीके से चिपक जाता है और फिर ब्लेंड नहीं हो पाता, जब दूसरा जो है हमारे पास ये ईजीली जो है वो ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। तो यही मैंने आपको इसमें शो करना था। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये दोनों कलर्स थे और ये पूरा कंप्लीट रिव्यू था इसका। प्राइसेस मैंने आपके साथ इसकी शेयर कर दी, इसके सारे शेड्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, ये शेयर कर दिया कि 3 ml है, ये है 10 ml और ये है 15 ml। प्राइसेस आपको पता चल चुकी हैं, आप लोग की चॉइस है, आप लोग अब किस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहते हो। आपको ये कलर पसंद है तो इसके साथ जा सकते हो आप लोग, अगर आपको ये कलर पसंद है तो आप इसके साथ जा सकते हो। ये इसके सारे कलर्स हैं जो आप ले सकते हो, ठीक है। तो पर्सनली अगर मेरे से पूछें कि मैं कौन सा आपको रिकमेंड करूंगी तो गो फॉर दिस वन, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यूज़ करने में, बहुत इजीली ब्लेंडेबल है, ज़्यादा भी हो जाए तो आराम से कम हो जाता है। और ये जो है ये इस ड्रॉप उसमें आता है, बहुत ज़्यादा वाटरी है, मिक्स करने में थोड़ा सा मसला होता है और थोड़ा सा एक जगह पर चिपक भी जाता है। तो इसमें तजमीली बाय हानिया में मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप लोग कोई सा भी शेड ले लो, बहुत ज़बरदस्त हैं ये तजमीली बाय हानिया के टिंट्स। और SL बेसिक्स का मैं आपको उतना रिकमेंड नहीं करती, फिर भी आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहो तो आप ले सकते हो। और बस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।